है, बोर्ड परीक्षा की तैयारी कर रहे छात्रों के लिए बड़ी खबर आपको दे दें। 2024 बोर्ड परीक्षार्थियों से जुड़े इस वक्त की बड़ी खबर, जैसा कि आप सभी को बताएं फरवरी का महीना नजदीक आ चुका है दोस्तों, जनवरी का महीना बीतने पे है। 2024 की बोर्ड परीक्षा को लेकर सभी विद्यार्थियों के मन में एक महासंग्राम चलने लगा होगा कि आखिरकार इस बार बोर्ड परीक्षा का पेपर किस प्रकार आएगा, इस बार बोर्ड परीक्षा में विद्यार्थियों को इस प्रकार से अंकों से पास किया जाएगा, बोर्ड परीक्षार्थियों में विद्यार्थियों को क्या फायदा मिलने वाला, कैसा विद्यार्थियों का रहेगा इस बार रिजल्ट। दोस्तों आप सभी को बताएं इस वक्त की बड़ी राहत की अपडेट केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय की तरफ से निकल के आ रही है। दोस्तों केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने दोस्तों आप सभी को बड़ी राहत देते हुए कहा है इस बार बोर्ड परीक्षार्थियों को ज्यादा मात्रा में पास किया जाएगा। दोस्तों वही विद्यार्थियों से आग्रह किया गया है विद्यार्थियों को पास होने के लिए ज्यादा ज्यादा क्वेश्चन पेपर को अटेम्प्ट करें, उत्तर पुस्तिका में सभी क्वेश्चनों का आंसर लिखने का प्रयास कीजिएगा। इस बार दो सब्जेक्ट में फेल विद्यार्थियों को दोबारा से पेपर देने का ऑप्शन दिया जाएगा, जिससे कि ज्यादा ज्यादा विद्यार्थियों को पास किया जा सके। हैंड राइटिंग के बलबूते पर 4 नंबर से फेल हो रहा विद्यार्थियों को भी पास कर दिया जाएगा। इस वक्त की बड़ी खबर, बोर्ड परीक्षा का जो क्वेश्चन पेपर है वो दोस्तों अनसॉर्ट से बनाया गया है, इस वक्त की बड़ी खबर निकल के सामने आ रही है। समस्त बोर्ड परीक्षार्थियों को ले जा लेना जरूरी होगा कि 10वीं बारी का जो बोर्ड परीक्षा का पेपर है सभी के मन में होगा कि किस प्रकार से आएगा कैसा आएगा, तो आप लोगों को हम बता देना चाहते हैं 10वीं बारी के जो बोर्ड परीक्षा का पेपर है क्वेश्चन बैंक अनसॉर्ट 2014 सत्र से लगाकर 2019 सत्र से लिया जा रहा है। यह बड़ी जानकारी केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय की तरफ से प्रकाशित की गई समस्त बोर्ड परीक्षार्थियों के लिए। अगर आप भी 10वीं बारी के बोर्ड परीक्षार्थी हैं वो आप भी इस बार बोर्ड परीक्षा में हिस्सा लेने वाले, तो आप सभी को बता देना चाहते हैं बहुत ही अच्छे अंकों के साथ पास किया जाएगा। बस विद्यार्थी जब कापियों का मूल्य जब कापियों का लिखे उत्तर पुस्तिका में उत्तर लिखे तो समस्त क्वेश्चन जो भी पूछे गए हैं उन सभी शब्द सीमा के अंतर्गत सभी क्वेश्चनों को लिख दें, भले आप सभी को सटीक आंसर ना भी मालूम हो उसके बावजूद भी उस क्वेश्चन का आंसर उस क्वेश्चन से रिलेटेड लिख दें, जिससे कि आप सभी को ज्यादा से ज्यादा अंकों के साथ पास किया जा सके। यह बड़ी अपडेट निकल के सामने आ रही समस्त बोर्ड परीक्षार्थियों के लिए। वही कापी के अंदर उत्तर पुस्तिका के अंदर किसी प्रकार के कोई भी रुपये पैसे ना रखें, वही उसके अंदर जो क्वेश्चन पूछ रहा है वही आंसर लेके उसमें अपनी मनगढ़ंत कहानी उस प्रकार की लेंगे, मेरे घर में ये दिक्कत हो गई थी ऐसा। दोस्तों बहुत सारे विद्यार्थी अगर ऐसा करते हैं पैसे रखते हैं तो उनके लिए बहुत ही दिक्कत होगी। आप सभी का सेंटरों का चयन, बोर्ड परीक्षा के पेपर बिल्कुल सब कुछ रेडी हो चुके हैं। आप लोगों को बताएं सभी तैयारी पूरी की जा चुकी है। 2024 लोकसभा चुनाव के चलते इस बार बोर्ड परीक्षार्थियों को बहुत ही अच्छे अंकों के साथ पास किया जाएगा, यह बड़ा टारगेट केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय की तरफ से रखा गया है। आप लोगों को बता देना चाहते हैं 10वीं बारी के बोर्ड परीक्षार्थियों के अगर बोर्ड विद्यार्थियों की हैंड राइटिंग अच्छी होती है वह 4 नंबर से तक फेल हो रहे होंगे तो उनकी हैंड राइटिंग के बलबूते दोस्तों उन विद्यार्थियों को 4 नंबर ग्रेस लगा के आप सभी को पास किया जाएगा, ऐसा केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के दिशा निर्देशानुसार जांच राज शिक्षक आपकी कापियों के अंदर करेगा। यह बड़ी अपडेट निकल के सामने आई है दोस्तों। इसके अलावा आप सभी को एक और बड़ी जानकारी दे देना चाहते हैं, जैसा कि आप सभी को डिग्रियों में ऑप्शन मिलता है कि अगर बोर्ड परीक्षार्थी कोई भी विद्यार्थी अगर किसी सब्जेक्ट में फेल हो जाता है तो उसमें बैक लग जाती है, तो बैक पेपर देके वह पास हो जाता है। दोस्तों इसमें भी यह ऑप्शन उपलब्ध कराया जाएगा, रिजल्ट जारी होने के बाद 18 दिन तक आप बैक पेपर के ऑनलाइन फॉर्म भरे जाएंगे, स्कूलों से फॉर्म भरे जाएंगे, जिसके ऑनलाइन फॉर्म जो डेट होगी वो समाप्त हो जाने के बाद में आप लोगों के 15 दिन के भीतर पेपर करा के आप सभी को दोबारा रिजल्ट जारी हो जाएगा, जिससे कि आपकी पूरी साल की पढ़ाई ना खराब हो।